नमस्कार सर, प्लीज इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं पवन कुमार शर्मा, शिविर संचालक, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ में द्वितीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं टोली नायक शिविर, जो पिछले आज पांचवा दिन है। लगातार 5 दिन से ये शिविर का संचालन किया जा रहा है। शिविर में पंचायत स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 160 स्काउट और गाइड लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों को मेरी पूरी 10 टीम के द्वारा, जिस टीम में 15 स्काउटर और गाइडर हैं, उनके माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की विधा में मॉर्निंग 5 बजे प्रभाती जागरण से रात्रि 10 बजे प्रकाश बाहर कैंप फायर के बाद तक के ये स्काउट और गाइड विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जहां इन बालकों को जीवन जीने की कला का अभ्यास एवं विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए जाते हैं। आपको अभी पता चल गया होगा कि ये स्काउटिंग चल रहा है और हमारी पंचायत के अंदर, दिसनाव पंचायत के अंदर, तोदी कॉलेज के द्वारा 5-7 कॉलेज आई हुई है और अभी बच्चे वार्म अप करते हुए स्काउटिंग का, इसके अंदर अपन को देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्काउटिंग के अंदर चारों तरफ से। ये 4 या 5 कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट हैं जो स्काउटिंग करने के लिए, और कुछ इस प्रकार से वार्म अप करते हुए इसमें अपन को ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, अपनी जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहने के लिए, और अन्य तमाम प्रकार की चीज़ें अपने को यहाँ इसमें देखने को मिलती है। और मैं अगर बात करूँ तो ये प्रकृति का मतलब है कि यहाँ जैसे मतलब कि अपन अपनी पूरी दिनचर्या ना एक तंबू के अंदर व्यवस्थित करेंगे, और उस व्यवस्थित के साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो खाना पीना और जितना भी है ना वो सारा का सारा यहीं होगा। अपने को केवल स्वयं को ही खाना बनाना होगा, और साथ ही साथ खाना बनाने के बाद अपन ना यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, और मतलब किस प्रकार से अपनी यहाँ जर्नी रहती है 5 दिन की 4 दिन की, ये स्काउटिंग के अंदर अपने को सिखाया जाता है। और अपने पेड़ों से और जो पशु पक्षी है उनके बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता है, और उनसे लगाव रखना भी होता है। चलिए सभी सूर्य नमस्कार करेंगे, स्थिति में आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, 2-3 श्वास खाली करके आगे आएंगे, 4 एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, एक पैर पे बैठेंगे, ऐसे गर्दन पीछे, घुटना सामने निकला, 5 दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन पे टिकी हुई, 6 में घुटने जमीन पे टिकाओ, छाती जमीन पे टिकाओ और थाली जमीन पे टच करो, 7 स्काउटिंग में क्या है कि बालकों को इस प्रकार के माहौल में तैयार किया जाता है कि बच्चा खेल खेल में ऐसी भावनाएं विकसित करता है, जिनको स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा बनाए गए 9 नियम और जो स्काउटिंग की जो प्रतिज्ञा है उसकी मूल अवधारणा को उनके जीवन में उतारने का अभ्यास किया जाता है। और यहाँ का चयन इसीलिए किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जनता को, यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को स्काउटिंग, क्योंकि पिछले दिनों से स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ में जो स्काउटिंग की जो स्थिति थी बहुत ही पायदान से कुछ नीचे आ गई थी, यहाँ के लोगों का रुझान कम हो गया था, तो उस स्थिति को जोड़ने के लिए यहाँ का चयन, इसी ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया गया और प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर ये स्थिति को अंजाम देने के लिए मेरे को भेजा गया। यस, जो वर्तमान में जो सोशल मीडिया, मोबाइल और नशे की जो लत है
उसके लिए क्या है कि बालकों को स्काउट और गाइड को ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं, ऐसी शिक्षा और इसकी जो इनकी जो दिनचर्या है उस ऐसा इसमें पाठ्यक्रम शामिल किया गया है कि बालक स्काउटिंग के नियम से जुड़ करके अपने आप को उसी सांचे में ढलने का प्रयास करता है और उस बालक के सर्वांगीण विकास के लिए खेल खेल में बालकों को ऐसी शिक्षा पढ़ाई जाती है ताकि वो बालक उस चीज़ से कुछ दूर रहे, चाहे मोबाइल की बात हो या नशे की बात हो या अन्य ऐसी प्रवृत्ति जिसे बालक को नुकसान हो रहा है या वो बालक अपने पीढ़ी से, जैसे हमारा मोटो है वर्त जन सेवा की ओर, 1,00,000 स्काउट वर्त जन सेवा की ओर लगे हुए हैं जिनके लिए भी बालकों को जो युवा पीढ़ी है जो कि वृद्ध जो उनके जो दादाजी हैं दादी हैं नाना नानी है उनसे बच्चों का लगाव दूर हो गया है, हमने उनको जोड़ने के लिए भी इस पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है और बालकों को ये हमारा ध्येय लेकर के ये एक पॉइंट लेकर के हम चल रहे हैं। स्काउट गाइड यहाँ पे अपने हाथों से स्वयं दिनचर्या को लगातार जारी रखने के लिए वो सेवा का तो मोटो मुख्य रूप से है ही, इसके साथ में बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए भोजन बनाने की जो कला का जो प्रशिक्षण है जो हुनर है वो सिखाया जाता है ताकि कैंप में वो बालक भोजन अपने हाथों से स्वयं बनाता है, अपने मकान को अपने गैजेट्स के माध्यम से, पीड्स के माध्यम से, लेआउट के माध्यम से, साज सज्जा को देख करके एक नए रूम में तैयार करता है। इन बालकों को प्रातः जागरण के बाद में मार्च पास्ट है, VP6 है, योग है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, इस प्रकार से खेल है, सेवा कार्य है, श्रमदान है, विभिन्न प्रकार की विधाओं को इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और मॉर्निंग में इनको 7:30 बजे का नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम को 4:30 बजे फिर अल्पाहार और यानी शाम को रात्रि भोजन, इस प्रकार से 4 बार इनको खाने की व्यवस्था होती है। सर आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपने जो इस प्रकार की जो संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है तो सर आपके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे और ऐसे ही हमारे क्षेत्र के अंदर कैंप करते रहिए सर, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हमारे से जितनी हेल्प होगी हम पूरी करेंगे सर। पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ यहाँ के जो पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जो हमारे स्काउटिंग जो आंदोलन है इस आंदोलन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको बनाने के बाद में जो ये स्काउटिंग है बहुत गति से स्पीडली में है क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो एक प्रस्ताव लिया था कि स्काउटिंग का जो कोटा है अब तक रेलवे तक सीमित था, लेकिन उन्होंने कहा जो निरंजन जी आर्य जो कि स्टेट कमिश्नर, उन्होंने भी बैठ करके जो चर्चा की, शीघ्र ही एक मतलब परिपत्र रूप में जारी हो जाएगा जिनके माध्यम से जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनको वेटेज दिए जाए, ऐसी प्रक्रिया ऊपर से विचाराधीन है। हाँ तो आपको कैसे लगा स्काउटिंग के बारे में, पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम वर्षा है, मुझे गाइड बनके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है जैसे सबके साथ मिलजुल कर काम करना सिखाया जाता है, पशु पशु से प्रेम करना सिखाया जाता है। कौन से विद्यालय से हो बेटा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिसनाऊ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिसनाऊ जो यहाँ का मेन मतलब बालिका विद्यालय है। और आपको कैसे लगा स्काउटिंग के जो पूरा एक नॉन नेजेबल फिक्सेबल होना है वो? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लोगों से प्रेम करना सिखाया गया, हर एक को अपना भाई बहन फ्रेंड बनाना सिखाया गया और यहाँ पे अपना काम स्वयं करना सिखाया गया, कोई चीज़ की मुझे सब चीज़ की यहाँ पे सुविधा मिली, किसी चीज़ की यहाँ पे मुझे मतलब। कैंपिंग में कैसा महसूस किया कर रहे हो, पहली बार कैंप में आए हो, पहली बार स्काउटिंग की यूनिफॉर्म गाइडिंग को तुमने स्वीकार किया है, कैसा अपने आप को कैसा फील कर रहे हो, अन्य लोगों को क्या प्रेरणा संदेश दोगे कि स्काउटिंग से जुड़ने से मुझे क्या फ़ायदा है, कैसे क्या करना चाहिए? स्काउटिंग से जुड़ने से मुझे ये फ़ायदा है कि फ़ायदा अपना कुछ नहीं देखा जाता इसमें हम लोगों की सहायता करते हैं, ये बस खुद को खुशी मिलनी चाहिए कि हम लोगों की सहायता करें, बस ये प्रेम मतलब लोगों की सेवा करने का जो भाव जो जज्बा है, देश का जो सेवा करने का भाव है और अपने आप में पैरों में आत्मविश्वासी बने हो, स्वावलंबी बनने का जो पाठ आपने पढ़ा है वो यहाँ पे आके पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ में स्टाम्प में कौन है यहाँ? मेरे साथ 11 और है, मतलब 11 गाइड आपके साथ में हो रहे हैं और आपके साथ लीडर कौन है, आपका गाइड लीडर कौन है? मैं
सर कौन है? अंकिता दहेल। और आपके साथ में सर कौन आए हैं? सर हमारे साथ सुशील जी सर आए हैं। सुशील जी सर आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी का भी, अच्छी बात है। हाँ भैया, आपको यहाँ आके कैसे लगा और आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मुकेश शर्मा, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिसनाऊ से पढ़ता हूँ और मैंने स्काउटिंग इसी साल ज्वाइन किया और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वाइन किया भैया आपने? सर हमारे टीचर्स थे सुशील जी सर, उन्होंने बताया था कि स्काउटिंग में लोगों की सेवा करना सिखाते हैं। मतलब सुशील जी ने आपको प्रेरित किया? हाँ। और स्काउटिंग में आपको लगा कि सेवा करने का जो जज्बा है, जो हुनर है, जो भावना है कि मैं देश की सेवा करूंगा, तो इसीलिए आपने स्काउटिंग आपने शुरू की है। कहना चाहोगे स्काउटिंग के लिए अन्य बालकों को जो आपके साथी नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या प्रेरणा संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे शिविर में बंधुत्व की और सहयोग की भावना विकसित होती है, इसलिए है सभी को स्काउटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ कैसा लगा आपको आने का? यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे खुला वातावरण और स्काउट प्रकृति प्रेमी तो होता ही है, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा खुला। बच्चे सफाई करते हुए स्काउटिंग के और बहुत ही शानदार, देखो कितने गजब के लग रहे हैं, देखो कितने शानदार लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्या भैया? क्या कभी घर पर सफाई किया क्या? Yes. नहीं यार, घर पर तो नहीं की होगी, यही कर रहे होगी स्काउटिंग के अंदर। बस बस, ये कुछ लोग सर्दियों के अंदर ठंड के अंदर तपते हुए और इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं अभी। स्काउटिंग के कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ठंड के अंदर तपते हुए और हमारे क्षेत्र के अंदर देखो कितने शानदार ये लग रहे हैं। क्यों भाई, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आशीष शर्मा। कैसे लगा आपको यहाँ स्काउटिंग करने के लिए, मतलब आपको कैसे प्रतीत हुआ? बहुत अच्छा हुआ। कितने दिन से चल रहा है आपका स्काउटिंग? ये 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। और पिलानिया साहब से करेंगे इंट्रोडक्शन। हेलो, नमस्कार, कैसा लगा स्काउटिंग के अंदर आपको? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और मतलब यहाँ का कैसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब कि आप यहाँ रह रहे हो पिछले 5 दिन से, तो मतलब यहाँ का व्यवहार कल्चर कैसा रहा बच्चों का? कोई असुविधा नहीं हुई और साथ में जो यहाँ के अपने रिश्ताओं के जो बामा से उनका भी सहयोग लगातार हम लोगों को मिलता रहा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग सबसे ज्यादा रहता हुआ। तो अभी क्या कर रहे हो, शरीर को गर्म कर रहे हो क्या? तो इस प्रकार से आपको जम्बूरी में भी ऐसे आपको निकलना खेलने को मिलेंगे जिनके माध्यम से आप लोग निकलोगे। पानी समझ में कुछ इस प्रकार से स्काउटिंग के जो बच्चे हैं वो इस स्तंभों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे पिछले 5 दिन से, उनको कैसे प्रतीत हो रहा है उनको अपन, ये है स्काउटिंग के बच्चे। कैसा लगा आपको स्काउटिंग के अंदर? बहुत अच्छा। क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। Myself विकास पिलानिया फ्रॉम तोदी कॉलेज। मोहित मनीष गजानंद कुलदीप सुमित गोविंद सिंह शर्मा अल्ताफ मनोज कुमार। अच्छा लगा आपको स्काउटिंग के अंदर। और आगे जैसे मान लो कि आने वाले साल के अंदर 2023 में आप स्काउटिंग करना चाहोगे फिर से? यस यस, बिल्कुल करोगे। अभी अपने जनवरी में जमुरी आ रही है। अच्छा, जमुरी राजस्थान में 60 वर्षों बाद में है और हर 5 साल में एक बार होती है जमुरी, तो उसमें भी हमारे रोवर्स को जाने का मौका मिलेगा। कल परसों सीओ साहब आए थे तो उन्होंने कहा था इनका मतलब जो परफॉर्मेंस है उनके सामने वो बहुत ही शानदार रहा था, सबसे बेस्ट अपने तोदी कॉलेज के रोवर्स का इसमें रहा था। अच्छा, तोदी कॉलेज का लक्ष्मणगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है और हमारे क्षेत्र में, हम भी वहाँ स्टडी किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका डिसिप्लिन जाना जाता है और
ये विद्यार्थी हैं तो जी कॉलेज के जो डिसिप्लिन के अंदर है, किसी के एनसीसी है क्या इसके अंदर? एनसीसी के भी है क्या कोई विद्यार्थी? अच्छा, उनका अलग लगता होगा शायद। एनसीसी अलग चीज़ है, स्काउटिंग अलग चीज़ है। एनसीसी इंडिया लेवल की, स्काउटिंग वर्ल्ड लेवल की। अच्छा, स्काउटिंग वर्ल्ड लेवल की, तो इसमें तो है ना अपन जो ये एनिमल्स लवर होते हैं, तो आपने यहाँ कोई एनिमल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल सुनसान सा लग रहा है। जी वो है, लेकिन यहाँ पे साथ में लाना अलाउ नहीं है। साथ में अलाउ नहीं है तो यहाँ पेड़ पौधे भी लगा के जा सकते हो आप जब यहाँ से। हमारे रोवर्स ने कल ही 150 पौधा रोपण किया है। 150 पौधों को एक 300 है ना, सॉरी 300 पौधे। तो यहाँ तो एक भी पौधा हमको व्यवस्थित नहीं हो रहा। अलग अलग विद्यालयों में हम लोगों ने लगाया। अच्छा, खेल का ग्राउंड है तो यहाँ अपन बाउंड्री के ऊपर भी लगा सकते हैं ना। बिल्कुल, वो आज का वही कार्यक्रम है इस बाउंड्री का, है ना। और अच्छा लगा आपको? हाँ, आपसे भी मिलके अच्छा लगा सर, आपसे भी मिलके अच्छा लगा।